हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता जैन, सीनियर लेक्चरर ब्यूटी कल्चर, गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। आज मैं आपको बीसी 207 के यूनिट नंबर 2 कॉमन स्किन डिसऑर्डर्स में सनबर्न एंड डर्मेटाइटिस के बारे में बताऊंगी। इस चित्र की सहायता से आप देख सकते हैं कि सनबर्न जब त्वचा सूरज की किरणों से क्षतिग्रस्त होकर झुलस जाती है, उसे सनबर्न कहते हैं। जो कि इस चित्र में दिख रहा है आपको, इस टाइप का दिखता है। जैसे हमने कहीं बाहर हम बहुत ज़्यादा घूमते हैं, या हमने हाफ स्लीव्स के कपड़े पहने हुए हैं, तो जो स्लीव्स के अंदर स्किन होती है वो आपने देखा होगा, वो क्लियर होती है, और लेकिन जो बाहर होती है वो तेज सूरज की रोशनी से इस टाइप से झुलस के ऐसी दिखाई देती है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सन बर्न, सूरज की किरणों से जो बर्निंग हो जाती है, जो जलन हो जाती है, वो सनबर्न कहलाता है। सनबर्न होने के क्या कारण है? सनबर्न होने के बहुत से कारण होते हैं। इन्हीं में से कुछ मुख्य कारण आपको नीचे बताए गए हैं। सूर्य के संपर्क में ज्यादा देर तक आने की वजह से सनबर्न की समस्या हो जाती है। जो लोग ऊंची जगहों पर रहते हैं, जहां सूरज की किरणें आसानी से पहुंच जाती है, वहां के लोगों को भी सनबर्न जल्दी हो जाता है। यानी जब हम बहुत ज्यादा हाइट पे रहते हैं, तो वहां पे अगर सूरज नहीं भी निकल रहा है, तब भी वहां की जो किरणें होती है, बादलों में से भी जो किरणें आती है, उससे भी सनबर्न हो जाता है। पराबैंगनी किरणों के त्वचा पर पड़ने से भी सनबर्न हो जाता है। शरीर में मेलानिन की कमी के कारण सनबर्न जल्दी हो जाता है। सनबर्न के लक्षण क्या क्या होते हैं वो देखिए, इस टाइप से होते हैं। पहला है, सनबर्न से प्रभावित हिस्से पर सूजन दिखाई देने लगती है। शरीर पर छोटे छोटे से छाले भी हो जाते हैं, जो फूट भी सकते हैं, मतलब थोड़े से उभरे भी छाले होते हैं, वो फूट जाते हैं, उसमें से पस निकलता है। सनबर्न की वजह से त्वचा गर्म भी हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से गर्मी लगती है। चेहरे पर ललाई दिखाई देती है, त्वचा पर खुजली होना, दर्द होना आदि समस्या हो सकती है। यदि सनबर्न ज्यादा हो गया है तो बुखार भी आ जाता है, यानी इतना सीवियर सनबर्न होता है कि शरीर उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता और बुखार आ जाता है। सिर दर्द होता है, थकान जैसी समस्या हो जाती है। ये सब आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप बाहर धूप में बहुत ज्यादा देर तक रहते हैं, तो सिर दर्द होता है और थकान होने लगती है। सनबर्न से बचाव, जब भी आप धूप में बाहर निकलें, तो 30 SPF वाली सनबर्न क्रीम का इस्तेमाल करें। धूप में निकलने से पहले सनग्लास पहने और शरीर को पूरी तरह अच्छी तरह ढक के कवर करके ही बाहर निकले, क्योंकि जैसा कि हमने आप पहले पढ़ा कि सूरज की किरणों के संपर्क में आने से ही त्वचा पर सनबर्न होता है। तो इसका उपाय सीधा से यह है कि आप पूरे शरीर को ढक के रखिए और आंखों पे सनग्लासेस पहनिए। नियमित ठंडे दूध के प्रयोग से भी सनबर्न से बचा जा सकता है, मतलब जहाँ पर इफेक्टेड त्वचा है, वहां पे ठंडे दूध का प्रयोग किया जा सकता है। चेहरे पर प्रतिदिन ठंडा दूध लगाएं। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहने और ढीले कपड़े पहने, लाइट कलर से शरीर को राहत मिलेगी। और लूज कपड़े पहनने से क्या होगा कि त्वचा में जो पसीना निकल रहा है वो भी सूख जाएगा। जितना हो सके गर्मी में पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए, क्योंकि शरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है तो उसे पानी ज्यादा पीने से हम उस गर्मी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। सनबर्न होने पर घरेलू उपाय इस प्रकार हैं। सेब के सिरके से आप उपाय कर सकते हैं। जैसे सेब के सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, यह चेहरे की रंगत को निखारने में मदद करता है। सनबर्न से होने वाली सूजन और जलन में सेब का सिरका राहत देता है। मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाने से त्वचा को ठंडक मिलती है और चेहरे पे भी निखार आता है, जो कि हम
ब्यूटी कल्चर में पढ़ते ही हैं कि मुल्तानी मिट्टी के बहुत सारे फेस पैक आते हैं। खीरा, खीरे से त्वचा में नमी रहती है। यह सनबर्न से होने वाले जलन को कम करने में मदद करता है। खीरे में बहुत ज्यादा कूलिंग पावर होती है और रेडनेस और आइस पे, जैसे हम फेशियल करते हैं तो भी हम आइस पे खीरे के गोल वो लगाते हैं स्लाइस, तो वो आंखों को बहुत ज्यादा ठंडक देता है। यानी जब हमारा शरीर झुलस जाता है धूप की किरणों से, तो उसको ठंडक देने के लिए आंखों पे, त्वचा पे ठंडक के सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि कूलिंग एजेंट होते हैं, वो सब हमको यूज करने चाहिए। इसके बाद है एलोवेरा गमार पाठा। धूप से झुलसी त्वचा के लिए एलोवेरा बहुत मददगार होता है। यह त्वचा को साफ करके सनबर्न के प्रभाव को कम करता है। हल्दी चंदन का लेप। हल्दी चंदन का लेप लगाना भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे गर्मी की वजह से त्वचा पर होने वाली जलन कम होती है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक होता है, तो कोई भी जो जलन हो रही है त्वचा पे वो कम हो जाती है। दही, दही का प्रयोग करना बहुत लाभदायक होता है। दही शरीर को ठंडा बनाए रखता है। धूप की वजह से चेहरे पर जो लालपन आ जाता है, उसे भी दही के प्रयोग से कम किया जा सकता है। गुलाब जल, नींबू और खीरे का रस, तीनों सामग्री को सनबर्न रिमूवर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जब हम स्किन में सनबर्न हो जाता है, त्वचा झुलस जाती है, तो हम गुलाब जल, नींबू और खीरे का रस तीनों को बराबर मात्रा में मिलाएं और बॉटल में भर के रखें, और जो जहाँ पे त्वचा इफेक्टेड है वहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डर्मेटाइटिस क्या होता है। मतलब स्किन जब त्वचा दाह बोलते हैं इसको हिंदी में, कि त्वचा में जब जलन पैदा हो जाती है तो वो कैसी दिखाई देती है, ये आप इस चित्र में देखिए। डर्मेटाइटिस स्किन का रोग है, इसे एक्जिमा भी कहा जाता है। ये त्वचा से जुड़ी एक बीमारी है। इस बीमारी के होने पर प्रभावित हिस्से पर खुजली, जलन, रैशेज, सूजन, लाल निशान, ड्राई स्किन की समस्या हो जाती है। कई मामलों में इसमें खून निकलने, त्वचा का सफेद भाग निकलने, त्वचा के कठोर होने जैसी परेशानी भी हो जाती है। त्वचा में होने वाली ये बीमारी एक छोटे हिस्से से लेके पूरे शरीर पर हो सकती है। यानी ये छोटे से हिस्से से शुरू होती है और पूरे शरीर पर धीरे धीरे फैल सकती है, तो ये पूरा शरीर भी कवर कर सकती है। इसके प्रकार और लक्षण क्या हैं? फर्स्ट है अटोपिक डर्मेटाइटिस। यह बीमारी ज्यादातर बाल अवस्था में होती है, मतलब बचपन में होती है। इसमें स्किन पर लाल रैश हो जाता है, इसमें काफी खुजली होती है। ये कोहनी, घुटनों के पीछे और गर्दन के सामने वाले हिस्से पर होता है। कई मामलों में रैश में से पस निकलने की समस्या आती है। ये बीमारी सीजनल भी हो सकती है, जिसमें मौसम के बदलाव के साथ त्वचा पर लाल चकत्ते बनना शुरू हो जाते हैं। यानी जब मौसम बदलता है तो अपने आप से इसमें चकत्ते हो जाते हैं। फिर एक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यह लाल रंग का और जलन करने वाला रैश होता है। यह तब होता है जब आप किसी ऐसी वस्तु के संपर्क में आते हैं जिससे आपकी स्किन को इरिटेशन हो या एलर्जिक रिएक्शन हो। इसमें कई बार व्यक्ति की स्किन कटने लग जाती है। ये मतलब किसी के संपर्क में आने से, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसे कि नाम से पता चलता है, जैसे आपने कोई वस्तु पहनी, जैसे कोई घड़ी पहनी या कोई टॉप्स या कोई चैन जो कि आपकी स्किन को रिएक्शन दे रहा है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। उससे भी जब जलन या पैचेस हो जाते हैं तो वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहलाता है, जैसे कि नाम से ही पता पड़ता है। किसी के कॉन्टैक्ट में आने से जब जलन या दाह हो जाता है तो वह कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहलाता है। फिर है बोहरिक डर्मेटाइटिस। यह है, इस हिस्से में त्वचा पर सफेद रंग की मोटी परत जम जाती है। यह हिस्सा लाल हो जाता है, खुजली करता है। यह शरीर के ऑयली हिस्से जैसे चेहरा, अपर चेस्ट और बैक पर होता है। डर्मेटाइटिस का यह प्रकार जल्दी ठीक नहीं होता है। बच्चों को भी बीमारी होने का खतरा रहता है। मतलब जब ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या होता है, त्वचा पर सफेद जो
परत होती है वो मोटी होती जाती है, एक के ऊपर एक चढ़ती जाती है और ये खुजली करती है। तो ये जैसे ही बीमारी ज्यादा बढ़ेगी तो उसको ठीक होने में भी ज्यादा वक्त लगता है, और यह है खतरा बच्चों में ज्यादा होता है। फॉलिकुलर एक्जिमा, इस प्रकार में प्रभावित हिस्से की त्वचा मोटी होती है और फोड़े से हो जाते हैं, मतलब थोड़ा मोटा हो जाता है और फोड़े फुंसी जैसा हो जाता है। इन सब से बचने का क्या उपाय है, यानी डर्मेटाइटिस ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो डर्मेटाइटिस से बचने के लिए लाइफस्टाइल और जीवन शैली से जुड़े कुछ बदलाव काम में आ सकते हैं। जैसे ज्यादा देर तक ना नहाएं, कोशिश करें कि आप 5 से 10 मिनट में नहा लें। नहाने के लिए ज्यादा गर्म पानी के जगह हल्का गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और ऐसे साबुन या शावर जेल के इस्तेमाल से बचें जो स्किन को ड्राई करे। यानी जो आप साबुन और शावर जेल यूज कर रहे हैं वो मॉइस्चराइजर युक्त होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्षार होता है साबुन और शावर जेल में, तो वो स्किन को और ज्यादा ड्राई कर देगा। इसी प्रकार गर्म पानी भी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है, तो वो ज्यादा खुजली का कारण बनेगा और स्किन को ज्यादा इरिटेट करेगा, तो डर्मेटाइटिस ज्यादा फैलने का चांस रहेगा। इसलिए बच्चों को भी गुनगुने पानी से नहलाना चाहिए और कम क्षार युक्त साबुन या जेल का इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू।